अरे बाप रे, पानी का लेवल देखो यार, है ना, भी लग गया सुब्रजीत। गाइस साइज देखो भाई, वाह इसका पेट देख भाई, बाप रे बहुत खुद है। ठीक है चलते, वाह ये हमने कब छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे आकर हम लोगों ने इस नेट को बनाया। वाह पापा की पानी को देखो, इंडिकेटर ऑन करके कहाँ जा रही है? अरे बाप रे, इसने इंडिकेटर इधर ऑन किया है, पर जा कहाँ रही है? अरे भाई विश्वास नहीं कर रहा हूँ मैं सही में, अरे हम ना टूट जाए। देखो सीधा जा रही है, लेकिन इंडिकेटर ऑन किया हुआ इसने, देखो भाई सीधा जा रही है। ओह माय गॉड, कांट बिलीव, चली गई सीधा, इंडिकेटर ऑन किया था उसने, लेकिन अभी भी ऑन है उसका। तो गाइस कैसे लगी पापा की पड़ी? सच में यार विश्वास नहीं करता, हर जगह पे हमको दिख जाती है। एनीवेज गाइस मैं आ चुका हूँ बैकयार्ड में, और यहाँ पानी भर चुका है ऐसे बोल रहे, मैं कल नहीं विजिट कर पाया, और अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को उसका कंडीशन। भैया सुबह सुबह आए थे और बोल रहे थे कि पानी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, एक और बारिश होगी तो पूरा भर जाएगा। हमें देखना है कि हमारी मछलियाँ तो नहीं जम करी। अरे बाप रे, पानी का लेवल देखो यार, मुझे यहाँ से गप्पी दिख गई है, ये देखो हमारी गप्पी, गप्पी तो दिख गई, ऊपर ऊपर है, देखना पानी देख, पूरा भर चुका है यार, चल जल्दी से पानी निकालना पड़ेगा। तो गाइस देख पा रहे हो कि पानी कितना ज्यादा भर चुका है, और अभी पानी निकालना पड़ेगा, और फिश हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूं, इसको पकड़ना, इसको हटाते, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिश है जो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। प्लांट्स तो बहुत बढ़िया, अच्छा छोटे छोटे जो फ्राइज थे हमारे, फ्राइज कहाँ है? हाँ वो निकालना पानी वहाँ से निकाल, अभी से छोटे छोटे फ्राइज थे, मुझे वो फ्राइज देखने कहाँ पे दिखाना एक मिनट। तो पूरा पानी का लेवल बढ़ चुका है, अभी हमें पानी निकालना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो फिर गाइस ओवरफ्लो हो जाएगा। तो गाइस इसके ऊपर हम लोग ऐसे शेल्टर देने वाले थे, तो अभी तक दिया नहीं है, और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसलिए पानी भर है, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े फिश भी है, हमें थोड़ा सा आप लोग को दिखाना। अरे देख दी यहाँ पे मछली होंगी बड़ी वाली। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, अभी पानी हम निकालने वाले बाल्टी से, और फिर दिखाते हैं आपको अच्छे से कि यहाँ पे क्या क्या फिश है हमारे पास। तो बाल्टी से पानी निकालेंगे पहले, कितना पानी हो जाता है अगर कोई फिश आ गया तो गाइस, इसलिए एक और बाल्टी लाना चाहिए था हमें, कि स्विमिंग पूल ही बन गया एक तरफ से देखा जाता है। तो हम लोग उतर गए पॉन्ड में, हम लोग उतर गए पॉन्ड में, और हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं थोड़ा सा बेस, हम लोग को बस बेस ही क्लीन करना है, क्योंकि ऊपर का तो पूरा साफ ही दिखी थी, यहाँ पे फिश घूम रही है, दिखी दिखी थी ये रही है, रेड वाली को दिखा, पूरा अंडा है, पूरा अंडा है, सुरेंदे रहेंदे, वाह देखा गाइस आप लोगों ने फिश की क्वालिटी। और रुको अभी तो दिखाते हैं आप लोगों को, फिश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, और खाना भी इनको मैं एक ही टाइम दे रहा हूँ वैसे, अभी मुझे दो टाइम का खाना करना पड़ेगा। तो पानी यहाँ से हम निकालते जा रहे हैं, ऊपर शेल्टर नहीं देने के वैसे ही हालत हुआ आज, और इधर पे क्या निकल गया बे एंजल। और गाइस आप लोग कौन कौन मुझे बोल रहे थे कि पॉन्ड में एंजल को पालते हैं क्या, ये वो ऐसा, अरे भाई सब चलता है, मुझे पता है, देखो इनका कलर देखो, कलर और देखना कितना अच्छा हुआ है प्लैटिनम का, और एक्टिव कितना है। एक काम करते हैं एंजल को थोड़ा सा हम लोग को निकाल के रख, तो निकाल के रख पहले प्रॉन क्लीन कर ना। हाँ एक मिनट रुक, मैं बाल्टी में रखता हूँ, है ना, भी लग गया है सुब्रजीत, ये तो और भी स्लो है, देखा इतना बड़ा हो गया, अरे कलर देख भाई, आप बड़े कितने हो गए यार, एक मिनट रुक गाइस, साइज देखो भाई क्या जबरदस्त है, कलर देखो ना इनका, हाँ, और बड़े वाली मछली दिखाना जो इन लोगों ने हाँ, देखा नहीं एक्चुअली, वाह इसका पेट देख भाई, कलर देखना इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कलर्स पकड़ा हमने तूने, हां पकड़ लिया, दिखाना हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा ये फिश, देखो गाइस हमने ये फिश भी रखा था, वाह ये हमने कब छोड़ा था, हो गया कुछ दिन ना, 10 दिन हो चुका, छोड़ दो। तो गाइस हम लोग इससे पकड़ रहे हैं फिश देखने के लिए कि क्या क्या फिश हमारा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग्स भी थे और काफी टाइम से हमने देखा नहीं है, और आज फिश पहले हमने वेरीफाई कर लेंगे कि क्या क्या मछलियाँ है और किसको किसको निकालना है सब बताऊंगा, और यहाँ पे कौन से फ्राइज रखने वाले वो भी बताऊंगा, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो चल करते हैं, हाँ बोलो उस तरफ तुम दिखे दागे थका मैं देखते हुए खुलूंगा, ठीक है ओके ठीक है, थ्री स्टार्ट, देखो डर भी लग रहा है, बहुत मछलियाँ यहाँ पे मैं पकड़ के रखा पूरा, एक मिनट पिराना का साइज देख रहे भाई, और इधर देखो ना, देख हमारे एंजल्स हर्ट ना हो तो हम लोग बड़े वाले फिश को निकाल देते,
बड़े वाले फिश में चार छोड़े थे, चारों आए कि नहीं? तीन आया है, ठीक है। ब्लैक एंजल, हाँ ब्लैक एंजल को दिखाओ यहाँ पे, ब्लैक एंजल नीचे उठा लो। देखो गाइस ये भी हमारे पास है, छोड़ दे इसको नीचे, छोड़ दे उधर, ठीक है। और दिखाते हैं पहले, सारा मस्त निकल ही गया, दो ही तीन आया ये तो ठीक है। ये बड़े वाले फिश छोड़ दे, ये तो हमने देखा है, दिखा दिया है। इस तीन है हमारे पास, चार है, हाँ चार है, अभी तो तीन उठा है ना, मैंने बोला था ना एक निकल गया, तीन, एक भी बार नहीं उठा। ये ये रहा कौन सा मौली, हाँ ये सांता क्लॉज है। ये गप्पी भी आ गई बेचारी, इसको निकाल देना। ये रहा, ये रहा गप्पी, हमारी बेचारी गप्पी, पिराना, पिराना तो बहुत है लेकिन इनका साइज देख, इनका इन पिराना का साइज, मैं निकाल के देता हूँ। यही तो तुम्हारे उसमें छोड़ना है पॉन्ड में सारे के सारे। लवली रे, दांत देखो ना, काटेगा ना समझ में आएगा, छोड़ दे एक बार और करूंगा, मुझे मुझे ऑरेंज बार पकड़ के दिखाना है, एक बार लास्ट करते हैं ना, ठीक है। ठीक है, अगर बार आया है तो भी चलेगा, दिखा कुछ बार आया है, कुछ भी नहीं है, एक भी बड़ा नहीं है। बच्चा, बच्चा, क्या क्या बच्चा दिखा मतलब, ओह देखा, मैंने बोला ना कि ये लोग ये सब है यहाँ पे, बड़े हो गए रे। बार बार बाप से नहीं, वो बाप नहीं है। हम सारे रूपचंदा को निकाल रहे हैं क्योंकि उनको लेके जाना है बड़े वाले पॉन्ड पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये दिखा ना, वो कहाँ गया कार्प, कहाँ गया कार्प, हाँ ये कार्प का ही मैं बोल रहा था। एंजल्स को पहले स्लोली अच्छे से रखना, वाओ थोड़ा बड़ा हुआ है ना साइज, ये रहा बार्ब, हाँ इस एंजल को तुम लोगों ने, हाँ इसको रखो यहाँ पे, ओके। और फिर से करते हैं, गप्पी को उठा ले भाई पहले तू स्लोली। तो गाइस इसमें सारे पिराना है, और अभी मैं आपको दिखाने वाला बाकी फिश जो हमने यहाँ पे डाले, और कल या परसों हम लोग जाने वाले हैं विष्णुपुर चाटा पॉन्ड है, वहाँ पे छोड़ेंगे। तो गाइस पानी काफी निकाल दिया है, और अभी पानी हाफ हो चुका है, अभी बारिश का पानी आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी फिश अभी छोड़ देंगे जो हमें यहाँ पे छोड़ना है। तो पहले तो इस गप्पी फ्राई को जो थोड़ी सी घायल हुई है, हम लोग यहाँ पे जब उतरे थे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, हमारी एंजल, ये दो ब्लैक एंजल एक्टिव है, ब्लैक एंजल, बार्ब, पिराना और ये भाई जाना, देख पूरा इसके अंदर अंडा है रे, ये देख इसमें भी अंडा है, ये वाला तो हमने देखा था, सब भाग रहे हैं यहाँ पे। एक और बार बार है ये, क्या मतलब एक्टिव है पूरा कूद रहे, और एक एंजल है यहाँ पे, ओ ये रहा कोई का, देख साइज से भाग जाते हुए एंजल, और यहाँ पे सब पिराना होगा शायद, हमारा रूपचंदा। कितने होंगे यहाँ पे, 13 पीसेस थे, तो जितने भी, अरे बाप रे बहुत कूद रहे, ठीक है चलें देख। तो गाइस फिर से ढक वक के रख दिया हम लोगों ने, काफ़ी प्लांट्स को डिस्टर्ब किया, बट ठीक है इसके बाद हम नहीं करने वाले क्योंकि हमें निकालना था वो फिश, और उन फिश को हम लेके जाएंगे पॉन्ड में। यहाँ पे बड़े बड़े चार फिश है और बाकी सारे छोटे, जैसे गप्पीज है, मतलब गप्पी तो एक ही है, एंजल फिश है, फिर हमारा कोई कार्प है, बार्ब है, तो किसी ने किसी को हर्ट नहीं किया, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे ग्रो होने देते हैं अच्छे से, और मैं शाम को लेकर आऊँगा कुछ नए फिश। तो अभी इस पानी को सेटल होने देते हैं पूरी अच्छी तरीके से, एंड फिर नए फिश यहाँ पे डालने वाले, और वो नए फिश क्या है जिसके लिए मैं ये पॉन्ड बनाया वो आपको पता चल जाएगा, आएंगे थोड़ी देर के बाद, लाइक 2 घंटे के बाद, और फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या फिश डाल रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस, बैकयार्ड पॉन्ड का नेक्स्ट आएगा 2 दिन में, अभी हम चलते हैं फिशिंग करने। आप लोगों को पता होगा कि टू फिशिंग पार्ट 19 में मैंने जो अपना नेट है वो बच्चों को दे दिया था, तो मैं फिर से एक नेट ले रहा हूँ, लेकिन गाइस यहाँ का मालिक है ही नहीं तो नेट ही नहीं ले पाए। दिखाओ ये देखो, बहुत मिलेगा भाई यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डुओ फिशिंग 20। गाइस इस वीक मैंने 3 डुओ फिशिंग दिया है, 18, 19 एंड 20, और ये आज लास्ट होगा, लास्ट यानी कि मतलब इस वीक के लिए, और फिर डुओ फिशिंग हम नहीं करेंगे थोड़े दिनों के लिए क्योंकि बाकी अपडेट्स मैं दे नहीं पा रहा हूँ बैकयार्ड पॉन्ड एंड बाकी सारे। लेकिन अभी मैं उसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे कल आया था मैं, यहाँ पे शुभ्रजीत के साथ। अदीप जो ने मेरा वीडियो देखा और वो पागल हो गया, बोला कि मुझे लेके चलो, और यहाँ पे ऐसे हमारे फिश है ना, तेलापिया के बच्चे एंड गौरमीस जो हम पकड़ेंगे, एंड चंदा फिश,
जो ट्रांसपेरेंट फिश होता है। तो गाइस ये सारे फिश हम पकड़ेंगे, लेकिन हम कोई नेट नहीं लेकर आए, सिर्फ इस नेट से पकड़ने वाले। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, पूरा वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फिश है तो हम आज इस तरीके से पकड़ रहे हैं। कितना उठा, कितना एक ही उठा क्या? और हो सकता है। और ये फिश बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास फिशिंग नेट नहीं है। नेट से नहीं पकड़े हम लोग, किलीज बहुत है, किलीज नहीं चाहिए, कल बहुत उठाया हम लोगों ने, किलीज को छोड़ देंगे। चंदा फिश नहीं उठ रहा है ना, किलीज देखो गाइस, किलीज हाँ ले सकते, डाल दे, देखते हैं बाद में, नहीं चाहिए होगा तो हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। मुझे एक और प्लांट्स दिखे, ये पूरा कबाम्बा जैसे दिख रहा है लेकिन काफ़ी छोटे वाले स्पीशीज है, देखो लेकिन बहुत ही सुंदर है, एकदम छोटे छोटे, सही है। और ये तो पूरा भरा है यहाँ पे, तो ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे। देखो इसके लीव्स देखो कितने छोटे, कबाम्बा के कितने बड़े होते हैं, ये कितने छोटे वाले ना, ये भी लेके जाएंगे। गाइस सैड न्यूज़ यही है कि सिर्फ दो फिश पकड़ पाए, और हम लोगों को कभी नहीं लगा था कि हम लोग सिर्फ दो ही पकड़ पाएंगे इसको लेकर। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि घास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराना आदिवासी टेक्निक, और जो हम लोग यहाँ से कलेक्ट करके ही एक नेट बना रहे हैं। तो ये रस्सी हम लोगों ने निकाला है वहाँ से, और ये सब टूटा हुआ था तो टूटा फूटा ये निकाल रहे हैं हम लोग, और ये नेट में हम लोग बनाने वाले इसी जाली को यूज़ करके। तो देखते हैं कैसा बनता है, जो ट्राइंगल वाला नेट नहीं होता उसको बनाएंगे ताकि हम इस तरीके से ड्रैग करके फिश उठा पाए, होपफुली सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पे इधर दो, मैं बोल रहा कि इसको हाफ कर लो ना भाई, तो ऐसा ट्राइंगल करना, तो यहाँ पे एक और बैम्बू देना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे अभी, पहले इनको बांधते हैं। हाँ अभी एक हमें बैम्बू की तलाश है, कहाँ से मिलेगा भाई, चल पेड़ से कुछ निकालते हैं तोड़कर। सीधा चाहिए पूरा, हाँ पूरा स्ट्रेट ना, ढूंढ रहा हूँ मैं, रुक कहाँ मिलेगा। अभी हम लोग बैम्बू की तलाश में रिवर के सामने सामने घूम रहे हैं, बैम्बू नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार, सही रास्ते में कितना मिलता है। अरे वो देख, अरे क्लाइमेट देखना, वाव जो क्लाइमेट बन रहा है ना अभी, मस्त बारिश आने वाली है। एंड गाइस इस रिवर में भी काफ़ी पानी जम चुका है, देखो देख पहले ये ठीक है कि नहीं, चक्कू वगैरह है, इससे होगा हम लोग है। इतना बड़ा कर रहा है तो ये होगा क्या, हे गाइस आदिवासी जुगाड़ हमारा तैयार है। अरे बाप रे बाप, फिश पर जंप कर, आदिवासी जुगाड़ देखो, चलो इधर से बना लिया फाइनली। यहाँ पे बनाया हम लोगों ने, हमने घर पे नहीं बनाया लेकिन यहाँ पे आकर हम लोगों ने इस नेट को बनाया, और ये होता है जुगाड़। अब देखना फिश कैसे मिलता है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मिलना तो चाहिए। अभी हुआ फिक्स, थोड़ा सा और रस्सी लगाया हमने, देखा मैंने बोला ना, मैंने बोला प्लान सक्सेसफुल, ये रही इधर ही है बे, प्लान सक्सेसफुल, एक एक करके अभी बहुत आएगा देख, जाते रहे ना, मैं दिख, मुझे दिख रहा है जाते रहे। हाँ 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 यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, एक आया और चार, मस्त बड़ा श्रिम्प मिला है, देखो गाइस क्या साइज है। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, मैं देखा इस बार तो बहुत एक साथ उठाया क्योंकि हमने पूरा ग्रुप में मारा था। कितना है, चार और भी हो सकता है पता है, और बड़ा वाला क्यों नहीं मिल रहा है गाइस, इसका आप कलर देखो ना, एकदम सिक्लिड्स, एकदम सिक्लिड, बड़ा वाला उधर है, पास्ता क्या बात कर रहा है, पूरा गैंग आ गया ना, दिखा दिखा दिखा, ओह सो ब्यूटीफुल, कम से कम यहाँ पे 10 तो हो गए आराम से। तो गाइस जो भी हम लोगों ने 10 फिश पकड़ लिए, और यहाँ से हम लोग खोल ले रहे हैं इसको, तो ये अपन खोल के अभी लेके जा रहे हैं, और हमने कम से कम 10-15 फिश पकड़े हैं। तो गाइस हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो आज से फीवर फिश पकड़ने के लिए आए थे हम लोग, हमारा तिलापिया का बच्चा जो हम लोग छोड़ने वाले पॉन्ड पर, तो घर पे जाके आप लोगों को जो है फिश सामने से दिखाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं, श्रिम्प पकड़ा हुआ है, दिखा कौन सा, हाँ इसको यहाँ पे छोड़ो, ट्रांसपेरेंट, बाद में इसको मुझे ढूंढ के देखो,
छोड़ दिया अभी दिखाओ मछलियाँ हमारे ऑडियंसेस को। ये कौन से कितने पकड़े हमने आज? हमारे पास दोनों मॉन्स्टर फिश है गाइस। इसके साइज बहुत बड़े होते हैं ना अगर अच्छे से हमने इनको पाला तो ये तो सब हमारे जाने वाले पॉन्ड पे। तो गाइस ये एक्चुअली खरीदने को मिलता है और बिल्कुल सिकलेट जैसा लगता है, देखो सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम यार। देख और निकाल तो निकाल, वाह सब पकड़ के लेकर आए गाइस आज हम लोग। हाँ यहाँ पे फीमेल मेल कैसे पता चलेगा? कितने देख दो, पाँच तेरह तेरह है, कहाँ तेरह, पाँच पाँच बारह दिख रहा है मुझे। अभी दूसरे मॉन्स्टर फिश हमारा है रूपचंदा, ये तो तब दिखाया था हम लोगों ने। वैसे ये फिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, क्या बोलूँ मैं। चल ठीक है तो गाइस ये है और इनको जब हम पॉन्ड में छोड़ेंगे दीप ज्योति के गांव में तब मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ एंड इनको हम हमारे उस पॉन्ड वाले प्रोजेक्ट पे छोड़ेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि ये डुओ फिशिंग पार्ट 20 आज यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड आपको बैकयार्ड पॉन्ड का भी अपडेट दे दिया। तो बाकी डुओ फिशिंग जो पार्ट 21 आएगा वो नेक्स्ट वीक से आने वाला है, पता नहीं बारिश हो जाएगी तो फिर हमारा माइंड भी चेंज हो सकता है। बट कैसा लगा वीडियो जरूर बताना और कमेंट करना, और ये फिश कैसे लगे आज हमने पूरा मॉन्स्टर फिश आप लोगों को दिखाया, लाइक पिराना जिसको रूपचंदा बोलते हैं एंड दूसरा हमारा जो है तेलापिया। तो गाइस कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।